वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड का लिंक होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि पैन कार्ड में होता है। तो यदि आपके वोटर कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 2024 में क्या जेन्युइन प्रोसेस है, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आपका अकाउंट इस न्यू वेब पोर्टल पर भी बना हुआ है तो फिर भी आप मोबाइल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, जो कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। हमारे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, सिंपली हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। किसी के भी ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको इसमें लॉगिन करना है। यदि आपके पास यूजर आईडी पहले से नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू यूजर, आप इस पर क्लिक करके जाके अपना अकाउंट सेटअप कर लीजिएगा। और एक बात, आपके पास पहले से वेब पोर्टल का आईडी पासवर्ड है, उससे भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारे केस में पोर्टल वाला यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे पास पहले से है, तो सिंपली अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। नीचे में आप देख सकते हैं सेंड ओटीपी, देन आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को सिंपली आप यहाँ पे डाल देंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन नाउ। आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। चेक की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा लेट्स स्टार्ट का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यदि आपको अपना वोटर कार्ड का नंबर नहीं मालूम है तो नीचे में आप देख सकते हैं नो आई डोंट है वोटर आईडी नंबर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना कुछ बेसिक सा डिटेल फिल करना होगा, तब जा करके आपको अपना वोटर कार्ड का नंबर मालूम हो जाएगा। हमारे केस में हमें अपना वोटर कार्ड का नंबर ऑलरेडी मालूम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस आई है वोटर आईडी नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे में आप देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको अपना वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। फेच डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, देन आपका रिकॉर्ड फाइंड कर लिया जाएगा। यहाँ से आपसे बोला जाएगा वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर वोटर आईडी नंबर। नीचे में आपको प्रोसीड का बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। देन जो है पूरा रिकॉर्ड आपको खुल करके आ जाएगा। नीचे में आप देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन आपको मिल जाता है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिए। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल कर लेना है, देन यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल लेना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। देन एक बटन खुल करके आ जाएगा वेरीफाई का, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, सिंपली ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देंगे। देन नीचे में आप देख सकते हैं वेरीफाई का बटन, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ब्लू टिक लग जाने के बाद ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, प्लेस का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे में आपको डन का बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा, सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। देन नीचे में आपको कंफर्म का बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ऐसा कर लेने से आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपको जनरेट होकर के मिल जाएगा, आपका जो फॉर्म है यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर जो भी आपको जनरेट होकर के मिला है वो आपको मोबाइल पर मैसेज में भी आ जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको शो होने लग जाता है, वो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। देन इसके होम पेज पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिएगा। देन जो भी आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के मिला था वो आपको यहाँ पर डाल देना है, स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक स्टेटस, इस पर क्लिक कर लेने से आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है वो आपको पता चल जाएगा। विद इन 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके वोटर कार्ड से लिंक हो जाएगा। आप अपने स्टेटस को ट्रैक इस वेब पोर्टल से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है जेन्युइन प्रोसेस आपके वोटर कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार से यूनिक कंटेंट्स अपलोड होते रहते हैं।